देखो त्रैमासिक परीक्षा में आपको क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, ये काम में आने वाला आप लोग को। त्रैमासिक परीक्षा में अध्याय एक चैप्टर कौन सा, चैप्टर वन अध्याय एक का आपका प्रश्न है और ये काम में आने वाला है आपको। अभी लिखो मत, समझो पहले फिर लिखना। त्रैमासिक परीक्षा में आपको आने वाला चैप्टर वन का, त्रैमासिक परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं क्लास अध्याय का आपका प्रश्न है ना। हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। सिद्ध करो कि 3 करणी 2 1 अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना आपको क्या यहाँ पर कि 3 करणी 2 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहले परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे करणी 3 को आप अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, तो करणी 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। कल हमने सिद्ध भी करे थे कि करणी 3 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है, या करणी 2 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है, करे थे हम लोग ने सिद्ध। चलो तो हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध करके बताइए कि 3 करणी 2 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है, पेपर में आएगा 4 नंबर में, ठीक है। ठीक है, सिंपल है, क्या सिद्ध करना है कि 3 करणी 2 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करके बताओ, सिद्ध करके बताओ कि जे जो मैंने पहना हूं ये क्या है, एक प्रकार की टी शर्ट है, जे शर्ट है ये क्या है, सिद्ध करके बताओ कि जे क्या है, ये क्या है, शर्ट है। तो ठीक भैया, कोई ज्यादा बोलता है ना कि प्रूफ दे, क्या सबूत है तेरे पास कि ये शर्ट है, तो मैंने बोल दिया हाँ भैया नहीं है शर्ट, टी शर्ट है, क्या है। अब चूंकि टी शर्ट है पन्नारी के, जे जब टी शर्ट नहीं तो क्या होगी, शर्ट ही होगी ना, तो इसलिए हम उल्टा मान के चलते, क्या मान के चलते हम उल्टा। हमको उनने क्या बोला, तू प्रूफ करके दे कि 3 करणी 2 क्या है, अपरिमेय है। हाँ भैया नहीं है अपरिमेय, क्या मान लिया अपन ने इसको, परिमेय मान लिया अपन ने। इसके विपरीत माना, इसके उल्टा मान लिए, ठीक है, इसके उल्टा या इसके विपरीत माना कि 3 करणी 2 1 क्या है, परिमेय संख्या है। सिद्ध करने को क्या बोला इसने कि 3 करणी 2 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है, हमने इसके उल्टा क्या मान लिए कि 3 करणी 2 1 क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या को हम, इसको हमने परिमेय मान लिए, उल्टा मान ली परिमेय, तो परिमेय, तो 3 करणी 2 को हमने मान ली परिमेय। परिमेय है मतलब परिमेय को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय को हम किस रूप में लिख सकते हो, अंश बटा हर के रूप में। तो मैंने मान लिया, माना 3 करणी 2 बराबर क्या हो गया, a बटा b हो गया, जहां पर a और b क्या है, से अभाज्य संख्या है। अब इस तरफ 3 कायम है, गुणे में है, इस तरफ 3 कायम में जाएगा, बटे में, 3 कायम में जाएगा, बटे में, जहां पर a b और 3 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक। अगर a 3 और b पूर्णांक है तो a बटा 3 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये अंश और हर के रूप में लिखी है ना, तो a बटा 3 भी यहां पर क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कौन संख्या होगी यहां पर, ये क्योंकि ये अंश बटा हर के रूप में लिखी है, किस रूप में लिखी है, अंश बटा हर के रूप में ये लिखी है, तो ये क्या होगी आपकी, एक प्रकार की परिमेय संख्या होगी। अगर j परिमेय है तो इसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, ये दोनों बराबर है ना। अगर j आम है तो इसको भी क्या होना चाहिए, बराबर है। अगर जो इमली है तो उसको भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए इमली। आज अगर जो आलू है तो उसको भी क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, जो दोनों बीच में चिन्ह क्या लगा है। अगर ये परिमेय है तो उसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन हमने कल ही सिद्ध करे है, सिद्ध कीजिए कि करणी 2 1 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें ना अपन ने। और हम भली भांति जानते हैं, हम जानते हैं कि करणी 2 1 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जानते हैं हम, हमको पता है करणी 2 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि इसको होना क्या चाहिए, परिमेय। इसको परिमेय क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ये परिमेय है, सुनना, अगर ये क्या है तो इसके बराबर जे है, अगर ये परिमेय संख्या है तो उसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम भली भांति जानते हैं, हम भली भांति क्या जानते हैं कि भैया करणी 2 1 क्या होती है, अपरिमेय होती है, होती है ना। तो दोनों बात एक दूसरे का विरोध कर रही है। पहली बात तो ये कि जे परिमेय तो उसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय। लेकिन हमको पता है कि परिमेय होती है क्या, नहीं, ये क्या होती है, अपरिमेय। ये दोनों बात क्या कर रही है, एक दूसरे का विरोध कर रही है। और कोई भी चीज़ एक दूसरे का विरोध कब करती है,
जब हमने कुछ गलती करे हो, तो हमने जो शुरू में गलती करे थे, हमने जो उसको माने थे कि तीन करनी तो एक क्या है परिमेय संख्या, ये हमने गलत माने थे, तो जब ये परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी? आप परिमेय होगी। अतः निष्कर्ष से निकाल सकते हैं कि तीन करनी तो एक क्या है? आप परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? बनेगा नहीं बनेगा? सेम इसी प्रकार देखो, ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि करनी दो क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हमको इससे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, बात विरोध कर रही है कि करनी दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं ना करनी दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय तो इसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय। दोनों बात एक दूसरे का विरोध कर रही है। अगर ये परिमेय नहीं होगी तो फिर ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। सेम इसी प्रकार आपका एक सवाल और बनता है, सात करनी पांच, संख्या चेंज रहेगी, मेथड वही रहेगी। आपके यहां पर रहेगा क्या? सात करनी कितना? पांच। कितना रहेगा आपके यहां पर? सात करनी पांच। इस तरफ सात गुणा में, इस तरफ सात काय में आ गया बटे में, यहां पर हो जाएगा आप करनी पांच, सिर्फ वही रहेगा यहां पर। यहां पर जाएगा आपका सात कोमा एक कोमा बीस, इसलिए यहां पर क्या जाएगा आपके यहां पर? करनी सात है ना, फिर यहां पर जाएगा आपका करनी, सॉरी करनी पांच है ना, यहां पर भी क्या जाएगा? करनी पांच। यहां पर जाएगा आपका क्या? सात करनी पांच। सिंपल, बस अंक चेंज करा मैंने। पेपर में आता है क्वेश्चन, त्रैमासिक में देखने को मिलेगा अभी तुमको, कहाँ मिलेगा? त्रैमासिक में ही देखने को मिलेगा, अच्छे समझना। ये लास्ट सवाल है, इसके बाद क्यों है ना अध्याय अपना खत्म हो जाएगा रिवीजन करके, है ना। बाकी प्रश्न आपको खुद से करना है, ठीक है। मैंने पूरे पूरे एक बार करवा चुका हूँ, अब रिवीजन चल रहा है, तो आप लोग को कम कम क्वेश्चन समझाऊंगा और मेथड समझाऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करना है घर पे। देखो, सिद्ध करो कि सात करनी पांच एक क्या है, अपरिमेय संख्या, पेपर में आएगा। तो ठीक है भैया, हाँ भैया, हाँ तू बड़ा, हाँ भैया नहीं है परिमेय, हमने क्या मान लिया इसको? परिमेय मान लिए। इसके विपरीत माना, इसके विपरीत माना सात करनी पांच एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय मान लिया हमने। तो सात करनी पांच बराबर क्या मान लेंगे? ए बटा बी, क्योंकि परिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखा, किसको? परिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो सात करनी पांच बराबर क्या मान लिया हमने? ए बटा बी मान लिए, मान लिए, जहां पर ए और बी क्या है? सहभाज्य संख्या है। अब बराबर के इस तरफ सिर्फ करनी वाले को रहने दो, बाकी सबको उस तरफ फेंक दो। इसको उठाया हमने, इस तरफ गुणा में था, इस तरफ काय में आ गया, ये बटे में, काय में आ गया बटे में। ए सात और बी क्या है? पूर्णांक है। ए सात और बी क्या है? पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो ये कौन सी संख्या है आपकी? परिमेय है। तो ए बटा सेवन बी, ए बटा सेवन बी, ए बटा सेवन बी एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। अब गमार उतार के और बुक में लिखा लिखाया है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? ग्यारह, लिखा लिखाया किताब में, समझने पर ध्यान दे, है ना। और उतारने में टाइम लग रहा है ना, तो गाइड ले जाती है तो ठीक है, लेकिन मेन दिमाग के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या, अगर ये क्या है? परिमेय संख्या है। अगर इस तरह वाला परिमेय संख्या है तो उसको भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि करनी पांच परिमेय होती है क्या? ये क्या होती है? अपरिमेय। तो दोनों बात एक दूसरे का विरोध कर रही है, क्योंकि हमने गलत कल्पना करी थी। अगर ये परिमेय नहीं तो फिर क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है, सेम इसी को, सेम जी मैंने यहाँ पर टीपा हूँ उतार के, ठीक है ना, किताब से बुक में निशान लगा लोगे, बन जाएगा सवाल इस टाइप का। इस टाइप के सवाल आएंगे, बन जाएंगे। तो इस अध्याय में हमने क्या क्या देख लिया? अभाज्य गुणनखंड विधि आएगा, और दूसरा सिद्ध करो कि अपरिमेय, इस टाइप के आपके प्रश्न बन के आने वाले हैं। बन जाएंगे दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग से, ठीक है ना। प्रश्न बैंक आ चुका है, प्रश्न बैंक से आप लोग को तैयारी कर लेना है। अब अध्याय दो के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो त्रैमासिक परीक्षा में आ सकते हैं, काय में आ सकते हैं? त्रैमासिक परीक्षा में आ सकते हैं वाले क्वेश्चन देख लोगे आप। अध्याय दो के चैप्टर नंबर कौन सा? टू। अध्याय का अपना हो गया कंप्लीट, ठीक है। अध्याय दो पहले समझोगे, फिर लिखने के लिए तुम लोगों को टाइम दूंगा मैं, ना अभी लिखेगा कोई नहीं, बारीकी समझना बस है। अध्याय दो, अध्याय कौन सा? दोस्त का नाम क्या है आपका? बहुपद। अध्याय दो का नाम क्या है यहाँ पर हमारा? बहुपद है। इसके ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में आ सकते हैं। अध्याय दो के आपके यहाँ पर बहुपद है क्या? आपके यहाँ पर है बहुपद, है ना। चलो यहाँ पर देखोगे आप लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले अध्याय दो का नाम क्या है यहाँ पर हमारा? बहुपद। हम बात करेंगे द्विघात समीकरण की, समझो अच्छे से, क्या बोल रहा मैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है आपके यहाँ पर? ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये होता है आपके द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सात एक्स की घात दो प्लस पाँच एक्स प्लस छः बराबर जीरो। ठीक है, तो x x जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, क्योंकि हमको x का मान पता है क्या, x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान 10 भी हो सकता है, x का मान 20 भी हो सकता है, x का मान 30 भी हो सकता है, लेकिन जो संख्या होती है सात हो गया, पाँच हो गया, छः, इसका मान फिक्स है। सात मतलब तुम समझ जाओगे, ये हो गया सात, हो गया सात, सात बच्चे मतलब सात बच्चे आप समझ जाओगे ना। ठीक है, तो जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर। इसको द्विघात समीकरण क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, दो है, यहाँ पर चर मतलब x की, चर की अधिकतम घात कितनी है, दो है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। जिस समीकरण में अधिकतम घात दो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके दो शून्यक, इसका पहला शून्यक क्या है, इस द्विघात समीकरण के कितने शून्यक, दो शून्यक, के दो शून्यक, इसके दो शून्यक, अगर पहला शून्यक अल्फा हो और दूसरा शून्यक क्या हो, बीटा हो, यदि इस द्विघात समीकरण के दो शून्यक, पहला शून्यक क्या हो, अल्फा हो, पहला शून्यक क्या हो, अल्फा, और दूसरा क्या हो, बीटा हो, तो दो प्रकार के सूत्र आपके बन करके आते हैं, दो प्रकार के सूत्र आपके निकल करके आते हैं। पहला सूत्र आपका निकल करके आता है शून्यकों का योग, किसका योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग याद कर लो, रट लो, सूत्र है ना, हर सवाल में लगना है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, ये होता है आपका शून्यकों का योग, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, बारीकी समझना है। ठीक है, और बटा शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया आपका शून्यकों का योग, बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, याद कर लो। ठीक है, शून्यकों, दो शून्य कौन कौन से, पहले शून्यक अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा, इनका योग करना है, मतलब पहला शून्यक हो गया आपका अल्फा और दूसरा हो गया आपका यहाँ पर बीटा, और दोनों का हमने कर दिए योग, शून्यकों का योग बराबर का हो गया बराबर, माइनस का हो गया माइनस, एक्स का गुणांक, यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, एक्स में कितने गुणा हुआ है, एक्स में कितने गुणा हुआ है, अरे भैया एक्स में कितने गुणा हुआ है, बी का गुणा हुआ है ना, एक्स में कितने गुणा हुआ है, बी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, एक्स में यहाँ पर बी का गुणा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, बटा का हो गया यहाँ पर बटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर में यहाँ पर ए का गुणा हुआ है, एक्स स्क्वायर में यहाँ पर कितने गुणा हुआ है, ए का गुणा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, ए हो जाएगा, किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, ए हो जाएगा। तो ये सूत्र आपका निकल करके आता है, याद कर लोगे, कैसे निकल करके आया है, ये पहला सूत्र हो गया। ठीक है, अब दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र होता है आपके यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, दूसरा क्या होता है आपके यहाँ पर, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, क्या बोला मैंने, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य, पहला शून्य क्या है आपका, अल्फा, और दूसरा क्या है, बीटा, और दोनों का गुणनफल बराबर का हो गया बराबर। अचर पद किसको बोलते हैं, लास्ट वाला पद होता है ना सी, जिसमें एक से लगा नहीं होता है, इसको हम बोलेंगे अचर पद। अचर पद कितना जाएगा आपके यहाँ पर, सी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा आपका, एक्स स्क्वायर में ए का गुणा हुआ है तो बटे में कितना जाएगा आपके यहाँ पर, ए आ जाएगा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आया कि नहीं समझ में, आ गया, इसको उतारो स्पीड में। देखो अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, एग्जाम्पल नंबर दो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, त्रैमासिक में भी आपका आएगा, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, त्रैमासिक के हिसाब से द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस दस बराबर जीरो, एक द्विघात समीकरण आपको दिया गया है। आपको ना बारीकी से मेथड समझना, अगर मेथड आपको समझ में आएगी ना तो पूरे सवाल बन जाएंगे। किस पे फोकस करना है, मेथड को समझने में, क्या समझने में, मेथड को समझने में। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस दस बराबर जीरो के शून्य ज्ञात करो, के क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्य को एवं गुणांकों में संबंध विस्थापित करना है। अब बारीकी समझो, कौन सा इंटरेस्ट, यहां पर क्या डाला मैंने, हल, मेथड समझना।
हमको द्विघात बहुपद क्या दिया है? एक सवाल समझ में आ गया पूरा बन जाएंगे, और जो समझ में नहीं आ तुरंत पूछ लिया करो कि ये कहाँ से आया कैसे आया, ठीक है? सिर्फ एक सवाल समझो बारीकी से, पूरा ध्यान लगा के हाथ बांध के, बिल्कुल बारीकी समझो कॉन्सेंट्रेशन से। जब मैं समझाता हूँ तो ऐसा देखा करो कि अपन टीवी देख रहा है, पिक्चर देखते कि नहीं अपन, वैसा एक बार में समझ में आना चाहिए। ये द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस दस बराबर जीरो। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस दस बराबर जीरो दिया है। इसमें मध्य पद को दो भागों में तोड़ना होता है, बारीकी समझना। कौन से पद को? मध्य पद को दो भागों में तोड़ना होता है, ठीक है? कौन से वाले पद को? मध्य पद को कितने भागों में तोड़ना होता है? दो भागों में तोड़ना होता है। देखो कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस दस का हो गया प्लस का दस। सात एक्स को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि इसको जोड़े घटाए हल करे सोल्व करे तो सात एक्स ही आना चाहिए, लेकिन उन दोनों पदों का गुणा करें तो लास्ट वाली संख्या दस आना चाहिए। कौन कौन से होंगे? दो और पाँच। अगर पाँच और दो को मैं जोड़ूंगा, किसको? पाँच को और दो को मैं करूंगा जोड़ूंगा, तो पाँच और दो कितने हो जाएंगे आपके? सात हो जाएंगे। और पाँच में दो का गुणा करूंगा तो पाँच दुनी कितने होंगे आपके? दस होंगे। पाँच दुनी कितने हो जाएंगे आपके? दस। आया समझ में? तो सात एक्स को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़े घटाए हल करो तो कितना है? सात एक्स। पाँच एक्स और दो एक्स कितने जाएंगे आपके? सात एक्स। और दोनों का यदि गुणा करें तो पाँच दुनी कितने हो जाएंगे आपके? दस हो जाएंगे। तो सात एक्स को हम लिख सकते हैं पाँच एक्स और दो एक्स के रूप में, इस टाइप से। इस तरह से हमको तोड़ना है इसको, हमने ये कि जोड़े अगर इनको हल करें तो पाँच एक्स और दो एक्स कितना हो गया? सात एक्स। और गुणा करें तो पाँच दुनी कितना हो जाए? दस। तो लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है? बराबर का हो गया बराबर, जीरो का हो गया जीरो। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन है? कॉमन निकालने का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दोनों के पास, हम चंदा वसूलने जा रहा है, अब दोनों के पास से बराबर बराबर चीज़ लेना है। पाँच इसके पास, लेकिन इसके पास है क्या? नहीं। एक्स इसके पास भी और एक्स इसके पास भी, तो दोनों के पास से हम कॉमन निकाल लेंगे एक्स। दो एक्स में से हमने एक एक्स निकाल लिए तो कितने एक्स बचेंगे? एक एक्स बचेगा, प्लस का हो गया प्लस। पाँच एक्स में से हमने एक्स निकाल लिए, सिर्फ कितना बचेगा? पाँच बचेगा। सिर्फ कितना बचेगा आपका? पाँच बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा पाँच, पक्का। समझ में आना कैसा हुआ है? अरे दोनों के पास से एक से निकाल लिया, ऊपर दो एक्स थे, दो एक्स में से एक एक्स निकाल के अंदर एक ही एक्स बचा, प्लस का हो गया प्लस। पाँच एक्स में से मैंने एक से निकाल लिया, सिर्फ कितना बचेगा आपका? पाँच। इन दोनों पदों में से मैं प्लस का दो कॉमन निकाल लूँ, क्या कॉमन निकाल लूँगा? प्लस का दो, दो बाहर निकल गया, अंदर सिर्फ कितना बचेगा? एक्स, प्लस का हो गया प्लस। दस में से मैंने दो कॉमन निकाल लिया, दो का पहाड़ ऐसा बढ़ो दस से आगे ना बढ़े, दो पंचे कितना हो जाएगा? दस। और बराबर कितना हो गया? जीरो। एक्स प्लस पाँच यहाँ पर भी है, एक्स प्लस पाँच यहाँ पर भी है, दोनों पास से का कॉमन निकल जाएगा एक्स प्लस पाँच, ठीक है? अब यहाँ से एक्स प्लस पाँच कॉमन निकल गया, अंदर सिर्फ कितना बचेगा? एक्स बचेगा। यहाँ से भी एक्स प्लस पाँच कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा? प्लस का टू बचेगा। और बराबर कितना हो गया? जीरो हो गया। एक बार इसके बराबर भी जीरो, एक बार इसके बराबर भी जीरो। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो और कॉमा एक्स प्लस दो बराबर भी कितना? जीरो। यहाँ से एक्स का मान निकाल लोगे क्या हो जाएगा? एक्स बराबर, इस तरफ पाँच धन में है उस तरफ कायम हो जाएगा ऋण में। एक्स का हो गया एक्स बराबर, इस तरफ दो धन में है उस तरफ दो कायम हो जाएगा ऋण में। तो ये हो गया इसके दो शून्य का, ये निकाल लिया हमने इसे कितने शून्य? दो शून्य। समझ में आया कैसे निकाला हूँ? हर सवाल में ऐसे ही निकालना है, यही मेथड रहेगी। अब शून्य को योग कैसे करना है और गुणनफल कैसे करना है वो भी सीख लो, ठीक है? मेथड पर ध्यान दो, ठीक है? और बाकी प्रैक्टिस घर पे खुद करना है आप लोग। पूरे पूरे सवाल नहीं करवा पाऊंगा मैं, एक बार करवा चुका मैंने पूरे पूरे, ठीक है? है ना, अब रिवीजन करवा रहा हूँ तो पूरे पूरे नहीं करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट करवाऊंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले, और मेथड पे ध्यान देना आपको, ठीक है? अतः शून्यक, अतः केवल मैंने क्या शून्यक, पहला शून्यक अल्फा बराबर कितना आया? ऋण का पाँच। और दूसरा शून्यक बीटा बराबर कितना आया? ऋण का दो। कोई दिक्कत क्या इसमें? इतना करने में कहीं दिक्कत जा रही है? इतना करने में कुछ पूछना है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो इसके बाद सिंपल सा एक सूत्र लगाना है। देखो हमने शून्य ज्ञात करने को बोला, हमने शून्य ज्ञात कर लिया, लेकिन सवाल ने आगे एक और चीज बोला है, शून्य को और गुणांकों में संबंध स्थापित करो, बोला है ना?
कि इसके शून्यकों में और इसके गुणांकों में क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। तो सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है शून्यकों का योग। सूत्र क्या होता है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अब भी लिखवाया मैंने, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है सूत्र। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक और बटे में क्या होता है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आया कि नहीं समझ में, ये क्या हो गया आपको शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो पहला शून्य क्या मानते हैं, पहला शून्य क्या है, पहला शून्य है ऋण का पांच, पहला शून्य होगा ऋण का पांच हो गया, और दूसरा शून्य क्या हो गया यहाँ पर ऋण का दो, दूसरा शून्य क्या हो गया हमारा ऋण का दो हो गया। दो शून्य, पहले शून्य होगा ऋण का पांच और दूसरा क्या होगा ऋण का दो, और दोनों शून्यकों का योग, दोनों शून्यकों का योग बराबर का हो जाएगा, बराबर माइनस का हो गया एक्स का गुणांक। ये माइनस सूत्र का है, तो सूत्र का माइनस मैंने यहां पर ये लगा दिया, वो माइनस कहाँ का है, कहाँ का माइनस सूत्र का है, माइनस कहाँ का है सूत्र का, सूत्र का माइनस है ना। अब एक्स का गुणांक इस पद में बताओ, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स में कितने गुणा हुआ है, सात का हुआ है ना, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा, कितना हो जाएगा सात, एक्स का गुणांक हो जाएगा आपका सात, बटा का हो गया बटा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा, तुम मोबाइल लेके आ गए ना, कौन सा ले लिया, कैमरा अच्छा उसका है ना, फीस भी लाके जमा करना है ठीक है, और कल से मोबाइल लेके आना कोचिंग में तू, और तू तेरे पास है नहीं मोबाइल, नहीं है तो तू लिख लेता, वैसे भी तू लिखते नहीं बनता है, दिक्कत जाती है, मोबाइल लेके आए, सिर्फ तेरे को बोल रहा हूँ, बाकी लोग को लिखना ही है ना, और समझ लिए और फोटो खींच लिए बोर्ड की किसकी, और घर पर बैठ के अच्छे से लिख लिए, आया समझ में है ना, मेन ध्यान समझने पर देना, गायब देना है, और जाके फिर गाइड लेकर के जाना, और गाइड से भी कर रहा तो लिखना ठीक है, पास होना ही है, क्या होना है, मेरे को लग रहा है तू फेल हो जाएगा करके, सही में लग रहा है मेरे को, होगा फेल गया, अब देखते क्या होता है। त्रैमासिक परीक्षा में सबकी औकात पता चल जाएगी, किसकी कितनी औकात है, कौन सी परीक्षा में, त्रैमासिक परीक्षा में किसके कितने नंबर आ रहे हैं और किसके कितनी औकात है, काम पता चल जाएगी, त्रैमासिक परीक्षा में पता चल जाएगी ठीक है ना, कि किसकी कितनी दम है और किसके अंदर कितनी औकात है। वो तुम लोग का त्रैमासिक परीक्षक क्या बताएगा, रिजल्ट बताया, क्या बताएगा रिजल्ट। और इस साल तो त्रैमासिक परीक्षा में बहुत मजा भी आने वाला है, क्योंकि त्रैमासिक के नंबर कहाँ में काउंट हो रहा है, वार्षिक में काउंट हो रहा है, पहला बार है पूरे मध्य प्रदेश राज्य में, ये पहला साल है कि त्रैमासिक के नंबर कहाँ में काउंट हो रहा है, वार्षिक में। जी जान लगा देना, बिल्कुल जी जान लगा देना, एड़ी चोटी का बल लगा देना, दिन रात पढ़ना चालू कर देना, और त्रैमासिक में लेकिन कुछ करके दिखाना ठीक है ना, और इसी में तुम्हारा क्या होगा, नाम होगा, आ रहा है समझ में ठीक है ना। त्रैमासिक में फर्स्ट आ गए समझ जाना, कि वार्षिक में आराम से क्या जाओगे, फर्स्ट आ ही जाओगे, और त्रैमासिक में कम नंबर लोगे, कम परसेंट बनाओगे, तो वार्षिक में परसेंट कैसा बनेगा, कम बनेगा, आ रहा है समझ में, ये रियलिटी है ठीक है, ऐसा है। माइनस का हो गया माइनस, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स गुणांक यहाँ पर कितना है सात, बटा का हो गया बटा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, मतलब कितने का हुआ है, एक का ठीक है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, माइनस पाँच हो गया माइनस पाँच, धन ऋण ऋण, दो का हो गया दो, माइनस सेवन का माइनस सेवन, पाँच भी ऋण का दो भी ऋण का, ऋण ऋण वाली संख्या जोड़ती चिन्ह का आता है ऋण का, तो ऋण का हो जाएगा सात बराबर ऋण का सात, आ गया लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, ये कर दिया हमने सिद्ध, यहाँ लिख दोगे प्रूव्ड, ये हो गया आपके यहाँ पर सिद्ध, इसी प्रकार सिद्ध करना है, हर सवाल में ऐसी करना है, बस संख्याएं चेंज रहेगी, क्या चेंज रहेगी, बाकी मेथड आपकी यही रहना है, कोई दिक्कत। अगला अगला क्या है आपके यहाँ पर, शून्यकों का गुणांक हो गया, शून्यकों का योग कर लिए, अगला अब क्या निकाल लोगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या निकाल लोगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या गुणनफल,
शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद, अचर पद बटा एक स्क्वायर का गुणांक। शून्य दो शून्य कौन कौन से? पहला शून्य क्या है? ऋण पांच, और दूसरा शून्य क्या है? ऋण का दो। ठीक है, पहला शून्य ऋण का पांच और दूसरा क्या होगा? ऋण का दो। इन दोनों का गुणनफल मतलब ये गुणा कर दिया मैंने, शून्य को का गुणनफल मतलब गुणा, बराबर का हो जाएगा बराबर। अचर पद क्या है? अचर पद का मतलब होता है संख्या वाला पद, लास्ट वाला पद। क्या है यहाँ पर? दस है। अचर पद कितना है? दस। अचर पद कितना लिख लिया मैंने? दस बटा एक सूत्र। गुणांक क्या है? एक सूत्र में कितने गुणा हुआ है? किसी के नहीं हुआ, मतलब एक का होगा, तो बटे में कितना जाएगा? एक। ऋण गुणित ऋण धन, पांच दुनी दस, बराबर कितना हो गया? दस। लेफ्ट हैंड बराबर क्या आ गया? राइट हैंड। ये हो गया प्रूव्ड। उतार लो उसको फटाफट से। अगला सवाल, अगला सवाल देखोगे, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? तीन। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? तीन। द्विघात बहुपद ये दिया है आपको यहाँ पर, द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है, और शून्य को और गुणांकों में संबंध भी स्थापित करना है। इसके शून्य ज्ञात करना है ना, क्या मान लोगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखोगे द्विघात बहुपद के लिए, बारीकी समझना। द्विघात क्या? बहुपद। द्विघात बहुपद क्या दिया है? बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस तीन बराबर कितना दिया है? जीरो। एक्स स्क्वायर का हो गया मेरा एक्स स्क्वायर। अब आईफोन लेके आऊँगा सीधे, डेढ़ लाख वाला, डेढ़ लाख का मोबाइल आईफोन है ना, कि नहीं? वीडियो एक नंबर बनेगा झनान बिल्कुल। ठीक है, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का, तीन को ले सकते करणी तीन की होल घात दो, क्योंकि वर्ग से करणी कट गई, और सिर्फ कितना बचेगा? तीन, और बराबर कितना हो गया? जीरो। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, अगर ए की भी घात दो और माइनस बी की भी घात कितनी हो? दो। अगर ए की घात दो माइनस बी की घात कितनी हो? दो। तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, कब लिख सकते हो? अगर ए की भी घात दो और बी की भी घात क्या हो? दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस करनी तीन हो गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस करनी तीन। क्या जाएगा यहाँ पर? एक्स माइनस करनी, और बराबर कितना हो गया? जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बराबर कितना हो गया आपका? जीरो। एक बार इसके बराबर भी जीरो, एक बार इसके बराबर भी जीरो। ये क्या लिखा है यहाँ पर आपका? एक्स प्लस करणी तीन बराबर जीरो, और क्या हो जाएगा? एक्स माइनस करणी तीन बराबर भी कितना? जीरो। एक्स का हो गया एक्स, इस तरफ करणी तीन धन में है, उस तरफ करणी तीन कायम हो जाएगा ऋण में। एक्स का हो गया एक्स, इस तरफ करणी तीन ऋण में है, उस तरफ करणी तीन कायम हो जाएगा धन में। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो उसके दो शून्य कौन कौन से हो गए? माइनस करणी तीन, और दूसरा क्या हो गया? करणी तीन। ठीक है ना, कर लोगे ऐसा? अतः शून्यक, अतः क्या? शून्यक। पहला शून्यक अल्फा बराबर क्या हो गया? माइनस करणी तीन, और दूसरा शून्यक बीटा बराबर क्या हो गया? प्लस का करणी तीन। कितने शून्यक निकाल लिए हमने यहां पर? दो शून्यक निकाल लिए। अब क्या लगाओगे सूत्र? शून्यकों का योग। अब लगा देंगे यहां पर हम सूत्र कौन सा? शून्यकों का योग। शून्य को एक बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो, पहला शून्य क्या है? माइनस करणी तीन, और दूसरा क्या है? करणी तीन। दोनों का हम क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। पहला शून्य हो गया माइनस करणी तीन, और दूसरा क्या हो गया? करणी तीन। दोनों को हम कर लेंगे योग, शून्य को का योग बराबर माइनस का हो गया माइनस। एक्स का गुणांक कितना है बताओ? कितना है यहाँ पर? एक्स है कि नहीं है? क्या एक्स? एक्स है कि नहीं यहाँ पर? जब एक्स है कि नहीं, तो एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा? जीरो। कितना जाएगा? जीरो।
हो जाएगा जीरो बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है।